क्या दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना के चैनल इंडियन ब्लॉग से स्वागत करती हूँ। शनिदेव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ ने इसे न्याय के देवता की उपाधि दी है। शनिदेव को बहुत जल्दी क्रोध आता है। इसी क्रोध की वजह से पिता सूर्य से इनकी नाराजगी बनी रहती है। इनके क्रोध से सभी बचने की कोशिश करते हैं, वरना व्यक्ति पर मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है। इसीलिए इन्हें प्रसन्न करने के लिए शनिवार व्रत रखा जाता है। व्यक्ति शनिदेव से बचने और उन्हें शांत रखने के लिए अनेक उपाय करता है। शनि कृपा से व्यक्ति को सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। जो लोग शनिवार का व्रत करते हैं उनको पूजा के समय शनिवार व्रत का श्रवण करना चाहिए। शनिवार की व्रत कथा। एक बार सभी नौ ग्रहों सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु और केतु में बहस हो गई कौन सबसे बड़ा है। आपस में लड़ने के बाद सभी देवराज इंद्र के पास पहुंच गए। इंद्र असमंजस की स्थिति में निर्णय नहीं दे पाए, परंतु उन्होंने सभी ग्रहों को सुझाव दिया कि पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य ही इसका फैसला कर सकते क्योंकि वो बहुत ही न्यायप्रिय राजा हैं। सभी पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास गए और अपने आने का कारण बताया। राजा उनकी समस्या को सुनकर बहुत परेशान हो गए। उनका चिंतित होना लाजमी था क्योंकि जिसको भी किसी से छोटा बताता तो वही गुस्सा कर जाएगा। राजा के काफ़ी सोच विचार के बाद उन्हें एक उपाय सुझा। उन्होंने सुवर्ण रजत कांस्य पीतल सीसा रांगा जैसा अभ्रक और लोहे से नौ सिंहासन का निर्माण कराया। उन्हें उपयुक्त क्रम में रख दिया। सबसे निवेदन किया गया कि क्रमानुसार सिंहासन पर आसन ग्रहण करें। शर्त रखा गया कि जो सबसे अंतिम सिंहासन पर आसन ग्रहण करेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा, जिसकी वजह से शनिदेव सबसे बाद में आसन प्राप्त कर सके और सबसे छोटे कहलाए। क्रोध के आवेश में आकर शनिदेव ने सोचा कि राजा ने यह सब जान पूछ कर दिया। कुपित होकर राजा से कहा कि राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में एक महीना, चंद्रमा सवा दो महीने दो दिन और मंगल डेढ़ महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र एक एक महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता रहूं। मैंने बड़े बड़े का विनाश किया है। श्री राम के 7.5 साथी आने पर उन्हें जंगल जंगल भटकना पड़ा और रावण की आने पर लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। क्रोधी शनिदेव ने राजा से कहा कि अब आपको सावधान रहने की जरूरत है। इतना कहकर शनिदेव कुपित अवस्था में वहां से चले गए। समय गुजरता गया और कालचक्र का पहिया घूमते हुए राजा के 7.5 साथी आ ही गई। तब शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर राजा के राज्य में गए। उनके साथ अच्छे नस्ल के सारे घोड़े थे। जब राजा को सौदागर के घोड़ों का पता चला तो अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अश्वपाल ने अच्छे घोड़े खरीदे और इसके अलावा सौदागर ने उपहार स्वरूप एक सर्वोत्तम नस्ल के घोड़े की राजा की सवारी हेतु दिया। राजा विक्रमादित्य जैसे ही उस घोड़े पर बैठे वह सरपट वन की ओर भागने लगा। जंगल के अंदर पहुँच कर वह गायब हो गया और भूखा प्यास की स्थिति में राजा जंगल में भटकते रहे। अचानक उन्हें एक ग्वाला दिखाई दिया जिसने राजा की प्यास बुझाई। राजा ने प्रसन्नता में उसे अपनी अंगूठी देकर नगर की तरफ चले गए। वहाँ एक सेठ की दुकान पर पहुंचकर उन्होंने जल पिया और उनका नाम भीखा बताया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब आमदनी हुई। सेठ खुश होकर उन्हें अपने साथ लेकर आया। सेठ के घर में खूंटी पर एक हार टंगा था जिसको खुटी निकल रही थी। कुछ ही देर में हार पूरी तरह से गायब हो गई और सेठ वापस आ गया तो हार गायब था। उसे लगा कि बीका नहीं उसे चुरा लिया। सेठ ने बीका को कोतवाल में पकड़ा दिया और दंड स्वरूप राजा उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। अपंग अवस्था में उसे नगर के बाहर फेंक दिया गया। तभी वहां से एक तेली निकल रहा था जिसको बीका पर दया आ गई। उसने बीका को अपनी गाड़ी में बैठा दिया। बीका अपनी नाभि से जीप से बैलों को हाँकने लगा। कुछ समय पश्चात राजा की शनि दशा समाप्त हो गए। वर्षा काल आने पर बीका मल्हार गाने लगा। एक नगर की राजकुमारी मन भावनी ने मल्हार सुनकर मन ही मन प्रण कर लिया कि जो भी इस राग को गा रहा है वो उसी से ही विवाह करेगी। उन्होंने दासियों को खोजने के लिए भेजा, परंतु वापस आकर उन सभी ने बताया कि वह एक अपंग आदमी है। राजकुमारी यह जानकर फिर भी नहीं माने। अगले दिन वह अनशन पर बैठ गई। जब लाख समझाने पर राजकुमारी नहीं माने तब राजा ने उस तेली को बुलवाया।
भेजा और बीका से विवाह की तैयारियां करने के लिए कहा गया। बीका ने राजकुमारी का विवाह हो गया और एक दिन बीका के स्वप्न में शनिदेव ने आकर कहा कि देखा राजा, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला। राजा ने क्षमा मांगते हुए हाथ जोड़कर कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ऐसा दुख मत देना। और शनिदेव इस विनती को मान गए और कहा कि मेरे व्रत तो कथा से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो भी नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। शनिदेव ने राजा को हाथ पैर भी वापस दिए और दूसरे दिन जब सुबह राजकुमारी की आंखें खुली तो आश्चर्यचकित हो गई। बीका ने मन भावनी को बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। मन भावनी खुशी से फूले नहीं समा रही थी। राजा और नगरवासी सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब यह सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि यह सब शनिदेव के कोप का प्रभाव था और इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने निवेदन करते हुए कहा कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने कई प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया और जब राजा भोजन करने लग रहे थे तभी कुटीहार निकल गई थी, वहीं अब उसे उगल रही है। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का स्वागत किया और अपनी कन्याश्री कवरी से पानी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया कि राजा अपनी दोनों रानियों मन भावनी और शिकवरी को लेकर उज्जैन नगरी लौट आए। सारे नगर में दीपमाला और खुशी मनाई और राजा ने घोषणा करते हुए कहा कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटे बताया था लेकिन असल में वही सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी और सारी प्रजा के बीच खुशी और आनंद का वातावरण बन गया। शनिदेव के व्रत की कथा को जो भी सुनता और पढ़ता है उसके सारे दुख दूर होते हैं। तो ये थी आज के शनिदेव की व्रत कथा। हरे कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना के चैनल इंडियन व्लॉग से स्वागत करती हूँ। तो शनिवार के व्रत में आपको क्या खाना चाहिए और किस तरीके से आपको व्रत खोलना चाहिए इस वीडियो में आपको दी जाएगी पूरी जानकारी। तो शनिवार व्रत में अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए और शनि देव को धूप फूल फल और काले तिल अर्पित करने चाहिए। शनि देव की पूजा के दौरान मंत्रों का जाप करना चाहिए और आरती करना चाहिए। इस व्रत के पारण में खिचड़ी काली उड़द की दाल का सेवन करना चाहिए। अब ये है शनिवार के व्रत के दिन क्या खाना चाहिए। तो शनिवार का व्रत करने वालों को पूरा दिन फलाहार करना चाहिए। इस व्रत में दिन में अन्न नहीं खाना चाहिए। शाम के समय उड़द की दाल की खिचड़ी खाकर व्रत खोलना चाहिए। व्रत के अगले दिन सुबह नहाकर पूजा करने के बाद ही कुछ खाना चाहिए वरना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। उसके साथ ही इस दौरान शनिदेव को पंचामृत में स्नान करवाना काफ़ी शुभ माना जाता है। इसके बाद उन्हें काले वस्त्र काले तिल और सरसों का तेल अर्पित करें। सरसों के तेल का दिया जलाएं और इसके बाद शनि देव चालीसा और कथा का पाठ भी करना चाहिए। पूजा के दौरान शनि देव को पूड़ी और काले उड़द दाल की खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। शनिवार की पूजा सूर्योदय के समय करने से श्रेष्ठ फल मिलता है। इसके साथ ही ज्योतिष शास्त्र में भी बताया गया है कि शनिवार के दिन खिचड़ी खाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार काले चने की सब्जी खाना भी शनि को अनुकूल बनाता है। ऐसी मान्यता है कि शनिवार के दिन चावल चिवड़ा चने का भूजा खाना भी शनि के प्रतिकूल प्रभाव को दूर करता है। साथ ही साथ शनिवार को काफ़ी चीज़ें हैं जिनका हमें परहेज भी करना चाहिए। जैसे नमक नहीं खाना चाहिए हमें आज के दिन शनिवार के दिन सरसों का तेल नहीं खरीदना चाहिए। जूते चप्पल शनिवार के जूते चप्पल की खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए। नमक शनिवार के दिन नमक खरीदने से भी बचना चाहिए। झाड़ू खरीदना भी अशुभ माना जाता है। लोहा शनिवार के दिन भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए रीना के चैनल इंडियन क्लॉक्स में। हरे कृष्णा।